व्यापार के हुनरबाज में आज हम ऐसे दो भाइयों की सफलता की कहानी से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने 2003 में अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने पिता के पारिवारिक बिजनेस टेक्सटाइल को आगे बढ़ाने की सोची। बिजनेस की कला सीखते हुए समय के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन पहले से ही कुछ बड़ा करने अपने सपने सजोगने वाले दो भाई अब कुछ नया करना चाहते थे। इसलिए पिता की कपड़े की मिल में 2-3 साल काम करने के बाद भी हितेश और अल्पेश को अपने पंख पसारने का वह खुला आसमान नहीं दिखा और उस दिन से ठान लिया कि कपड़े में कुछ अलग करना है। नई सोच, बड़ा विजन लेकर हितेश और अल्पेश साल 2006 में सिल्क सिटी सूरत के अभिषेक मार्केट में एक छोटी सी दुकान से अपने कारोबार की शुरुआत की। दोनों भाइयों की इस जोड़ी ने रात दिन कड़ी मेहनत और लगन से बाजार की मांग के अनुसार क्वालिटी और क्रिएशन को प्राथमिकता देकर अपनी ब्रांड को कपड़ा बाजार में एक अलग पहचान दी, जिसका नतीजा आज यह है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हर एक कपड़ा काउंटर पर महिलाओं की पहली पसंद बनकर उभरी है। ऐसी ब्रांड के हुनरबाजों से आज आपको हम रूबरू कर। मैं इनके बारे में यही कहूँगा कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। जी हितेश भाई, बीके और ठावकी ग्रुप की आज आप ओनर हो उनके, इसकी शुरुआत कैसे हुई और संघर्ष से शिखर तक का जो ये सफर है आपका, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे? जी 2006 में हमने ये कंपनी की स्थापना सूरत में की। उसके पहले जब मैं जयपुर था, पढ़ाई 2003 में ख़त्म की, उसके बाद मैंने 2 साल जयपुर, 3 साल मार्केटिंग में, जो मैं बाहर घुमा हूँ, ऑल इंडिया पूरी मार्केटिंग कर रहा था, तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मेरे को साड़ी का बिजनेस करना है तो मेरे को बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उसके लिए मेरे को सूरत ही जाना पड़ेगा। तो 2006 में मैं सूरत आया। वो सूरत ऐसा सोच के नहीं आए थे कि हम यहाँ क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्या कुछ मालूम नहीं था, और हमको एक ही था कि भाई वहाँ जाके हमको काम करना है। और वहाँ सूरत आके मेरे भाई अल्पेश भाई, हम दोनों ने कंपनी की स्टार्टअप की अभिषेक मार्केट में, 10x10 की छोटी सी शॉप में, कि आज जो हम लेवल पे बैठे हैं, और तब हमने वो सोचा भी नहीं था कि हम ये लेवल पे पहुँचेंगे। हमारा काम एक ही था कि हमको सूरत में जाके साड़ी का बिजनेस करना है और कुछ नहीं। हितेश, शुरुआत जब सूरत में आप आए थे तो शुरुआत में आपने दुकान की या फिर जॉब वर्क, दूसरा कैसे आइडिया लगा कि हाँ ये चीज़ें करें, क्योंकि साड़ी है, ड्रेस है, बहुत से गारमेंट के, बहुत उस टाइम तो व्यापार ड्रेस, साड़ी, कुर्ती, बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन आपने साड़ी को क्यों चुना? मैं पढ़ाई करके जयपुर की हमारी मिल है, वहाँ से मैं जो मार्केटिंग करता था तो मैं साड़ी की वहाँ बनाते थे, वहाँ वो साड़ी का ही मार्केटिंग करते थे, तो हमारे साड़ी में ऑब्वियसली हमको यहाँ बिजनेस करना था। तो यहाँ आने के बाद हमारा एक ही टारगेट था, वो कुछ नहीं था कि यहाँ क्या बनाना है, कुछ करना है, कौन सा ग्रे लेना है, कौन सी मिल में काम करना है, वो कुछ नॉलेज नहीं था, बस जाके सूरत बैठ के काम करना है। स्टार्टअप में हमको बहुत मुसीबतें हुई, हमको एक्चुअल में बेसिकली काठियावाड़ी है, तो हमको मार्केट में भी रेफरेंस प्रॉपर नहीं मिल रहा था हमारा। आज मिलों में जाते थे तो हमको कोई एंट्री भी नहीं देते थे, लेकिन वो सब संघर्ष करते 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 आज एक हमने एक लेवल पे ब्रांड बनाई है कि आज हमको किधर जाना नहीं पड़ रहा है, सामने से सब लोग हमारे पास काम करने आ रहे हैं। एक वेल सेटल्ड व्यापार अपना पूछते नहीं, मिल, टाइम प्रिंटिंग की, उसको छोड़ के सूरत आना एक रिस्क नहीं थी? देखो, लाइफ में ग्रोथ करना हो तो चेंजेस जरूरी है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म जरूरी है, जो जयपुर में हमारे नेटिव प्लेस में नहीं मिल पाता। हमारी सोच बड़ी थी तो हम सूरत आए, यहाँ आके एस्टैब्लिश होना था, एक विज़न से आए थे हम, जो उस ट्रैक पे हमने काम किया और आज हम सक्सेस है, कंपनी को एक लेवल पे पहुँचा दिया है हमने। जी हितेश भाई, आज है ना बहुत सी ब्रांडें हैं साड़ी में, यहाँ अनगिनत ब्रांडें, लेकिन आज बीके थाव की मार्केट में अलग पहचान, इसका जो आज जिस ब्रांड आपकी ब्रांड को एक ब्रांड की ब्रांड वैल्यू देने में जो मेहनत, उसकी क्या सफलता का वो सूत्र क्या है, क्योंकि वो हर कोई आदमी जानना चाहिए। देखो, मार्केट में सब लोग मेहनत करते हैं, और फिलहाल जो अभी सूरत का टाइम है तो एक बार तो सब देखने जावे तो सब कॉम्पिटिशन में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि आपको लास्ट कस्टमर जो एंड यूज़र है उसको क्या चाहिए वो आप समझेंगे, उसको प्रोडक्ट जो चाहिए वो प्रोडक्ट ही हम बनाते हैं, हमारे को, और हम दिमाग दूसरा नहीं लगाते कि एंड कस्टमर को क्या चाहिए,
उसको क्या क्वालिटी चाहिए, उसको क्या रेट चाहिए, वो सब बहुत मायने रखता है। अभी आप कुछ भी अच्छा बनाओ और महंगा बनाओ तो भी नहीं चलता है, और कुछ सस्ता बनाओ और अच्छा नहीं बनाओ तो वो भी नहीं चलता। आज कस्टमरों को क्या है, क्रिएटिव प्रोडक्ट चाहिए, फिनिशिंग वाला काम चाहिए और रीजनेबल रेट चाहिए, वो उसका हमारा टोटल उस पर ही फोकस है। और दूसरी बात यह है कि हमने कभी लाइफ में है ना, हमने तीन चीज़ों पे ज़्यादा काम किया है कि Q3 क्वांटिटी क्वालिटी वो मैक्सिमम करते हैं, व्यापारी को क्वालिटी भी देते हैं और क्वांटिटी भी सप्लाई करते हैं, ताकि उसको आगे जाके उसको ऐसा नहीं है कि भाई खाली प्रोडक्ट आप अच्छी बना रहे हो और सप्लाई नहीं हो रही। अल्पेश भाई, कौन कौन सी जगह आज यदि थाव की और बीके का कपड़ा लेना है तो कौन कौन सी जगह मिलेगा और कहाँ कहाँ पर व्यापार कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग है ना, एक ग्रेड होता है उनका कि भाई मुझे तो नॉर्थ में करना है या मुझे साउथ में करना है, लेकिन आप लोग कहाँ कर रहे हैं? आज हमारा मार्केट पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश है, काश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी हमारा माल मिलेगा आपको। ऑल इंडिया में हमारे 65 डेपोज हैं और हर जगह आपको हमारी पूरी रेंज मिलेगी, लेटेस्ट कलेक्शन मिलेगा। हितेश भाई, जैसे अल्पेश भाई ने बताया कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में डिपो 65 डिपो और बहुत से व्यापारी, लेकिन सभी जगह ना हितेश भाई अलग अलग टेस्ट होता है, वो सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि साउथ का अलग टेस्ट है और नॉर्थ का अलग है, यदि अपन पहाड़ी इलाके में वहाँ का अलग टेस्ट है, तो फिर सब कुछ टेस्ट कैसे मैनेज करो, कैसे पता चलता है कि व्यापारी को एक्जेक्टली ये चाहिए? सर, ये हमारी सेल्स टीम ग्राउंड लेवल पे जाती है, वहाँ से देखती है कि कौन सी मंडी में कौन सा टेस्ट है, हम मंडी वाइज टेस्ट अलग अलग बनाते हैं। और मैक्सिमम हमारा ऐसा रहता है कि हम यूनिवर्सल टेस्ट बनावे कि भाई आज आप नॉर्थ में भी चले जाओ, साउथ में भी चले जाओ, कहीं भी जाओ, तो आपको ऐसे टेस्ट वो 50% रहता है, 50% मंडी वाइज टेस्ट हम बनाते हैं कि भाई साउथ है तो उनके कलर मैचिंग भी अलग रहते हैं, नॉर्थ के कलर मैचिंग अलग रहते हैं, यूपी के अलग, सब साइड के अलग रहते हैं, महाराष्ट्र साइड के अलग रहते हैं। तो हमने क्या है, एक ही सोच रखा है कि अपने को ऑल इंडिया काम करना है तो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो ज़्यादा मैक्सिमम रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंडी वाइज सबको डिवाइड करने पड़ेगा जी। अल्पेश भाई, बीके और थावकी आपकी अलग दो ब्रांड है, हाँ। किसमें बीके किसमें डील करती है और थावकी किसमें? बीके में हमारा मिडिल क्लास जो है पॉपुलेशन इंडिया का, उसको हमने टारगेट किया है, उसमें वर्क बेस और लहंगास पूरी रेंज दिया हुआ है। और ठाव की है उसमें हम प्रीमियम रेंज बना रहे हैं, सिल्क सारीज, जो आज सिल्क सारीज में हम सूरत में नंबर वन है, उसमें हमारी क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं। हितेश भाई, जैसे कि है ना, आज प्रीमियम में जैसे अल्पेश भाई ने बात की प्रीमियम की, तो आज यदि शादी के लिए, जैसे कि आज आप टॉप नंबर पे, एक नंबर पे आज सिल्क साड़ी या प्रीमियम में आज टॉप नंबर पे, आज अपने घर में शादी होती है या किसी बंदे के घर में शादी होती है, साड़ी की यदि परचेजिंग करता है तो बंदा यहाँ से पहले बॉम्बे जाता था या फिर वो बनारस जाता था या बेंगलोर जाता था परचेजिंग करने के लिए, लेकिन आज वो चीज़ें आपने यहाँ पर बना दी, क्या कुछ उसमें चेंजेस लेके आए, क्या चेंजेस किए तब आज फर्स्ट नंबर पे? उसमें सर, हमारी पहले से जब हमने वीविंग इंडस्ट्रीज में हमने जब पैर रखा तो हमारी पहले से सोच थी कि हमको कुछ नया करना है, और नए करने के लिए हमने पूरे इंडिया में एक साल भर सर्वे किया, और तब हमने जो सिल्क बनाने की सोच लगाई तो सिल्क में भी क्या था कि प्योर का जो टेस्ट आता था उसके 8 सिल्क भी बनती है, तो वो रेंज बहुत प्रीमियम होती थी, तो जो आम आदमी है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, उनको वो सेटअप नहीं होता था क्योंकि उसकी रेंज महंगी होती थी। अभी वो प्रोडक्ट हमको बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमने पहले बेसिक से हमने चालू किया कि जो प्रोडक्ट बनानी है अपने को एकदम अच्छी प्रोडक्ट और रिजनेबल रेट में, तो हमको बैकवर्ड इंटीग्रेटेड सब डालनी पड़ेगी, वो मशीनरी हमने सब इन हाउस सब कर दिया। उसके बाद जब हमने प्रोडक्ट बनाई तो सूरत में ऐसा नहीं है कि 30 साल से या 40 साल से जेकार्ड का इंडिया में हाईएस्ट जेकार्ड शायद सूरत में ही होंगे, नहीं जेकार्ड बनता था ऐसा नहीं था, लेकिन लोगों की सोच नहीं थी वो, और वो सोच हमने चेंज की कि भाई अपना सूरत है, टोटल यान भी सूरत में डेवलप होते हैं, जरी भी सूरत में होती है, कुछ भी सूरत ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सब कर सकते हो, लेकिन आपकी सोच चेंज करनी पड़ेगी कि ये प्लेटफॉर्म भी आप जाके ये सब कर सकते हो, तो वो हमने किया। और आज आपको हम नहीं बोलेंगे, मार्केट में आके बोलेंगे और आपको बताएंगे कि इन लोगों ने क्या लेवल टच किया है। हितेश भाई, आखिरी सवाल कि आपको देखकर, आपका व्यापार देखकर, आपकी ब्रांड की जो ब्रांड वैल्यू उसको देखकर, आपके जैसे दूसरे ऐसे आपके बहुत से भाई हैं, ऐसे बहुत से व्यापारी हैं, वो अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखो, मैं बीके और ठावकी ग्रुप की तरफ से पूरे सूरत को
एक ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हेल्दी बिजनेस कीजिए। हेल्दी मीन्स कि आप क्रिएशन क्वालिटी उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, नहीं कि कॉम्पिटिशन पर। जो जितना कॉम्पिटिशन होगा उतना सूरत की मंडी को अपने को अभी भी मालूम है सबको कि क्या हाल है, लेकिन क्रिएशन और प्रोडक्ट पे आप फोकस रखेंगे तो आप 100% आपको कोई अनसक्सेस करने में कोई रहेगा नहीं, सक्सेस ही होंगे आप। तो आपको अच्छी प्रोडक्ट बनानी है और क्रिएटिव माल बनाना है, ताकि आपको कभी किसी के पीछे नहीं जाना पड़े।